हम लोग नॉर्मल रोड पे आके पहुंच गए। अभी हम लोग का ट्री हाउस का जर्नी खत्म हुआ। ट्री हाउस से अभी निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट का तो बहुत टेस्टी था, मतलब इस जंगल में आके वहाँ जो कुकिंग एरिया पे कुक करके यहाँ पे लाना तो बहुत ही मतलब बहुत ही हेवी काम है और रिस्की काम भी है, लेकिन फिर भी खाना बहुत ही टेस्टी था। मतलब सब कुछ था, ऑमलेट, चिकन लेग्स वगैरह सब कुछ था, बहुत ही टेस्टी वगैरह। अभी हम लोग जा रहे हैं रिटर्न जर्नी पर। अभी कुछ एक घंटे का ट्रैकिंग है, जंगल ट्रैकिंग, उसके बाद फिर पूल पे मिलेंगे। वहाँ पे पूल घूमने के बाद हम लोग फिर वापस अपना होमसाइ। तो हमने ऑलमोस्ट 5G प्लान कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट एट दी एंड आके पहुंच गए हैं। अभी और 2G प्लान है और आधा घंटा के आसपास रहेगा, हम लोग लेक पे पहुंच जाएंगे। वहां पे थोड़ा नहा के फिर निकलना है। गिवन एक्सपीरियंस यहीं पे ख़त्म होता है। देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल काम है इन लोगों का, जंगल में खाना ला के बनाना, सबको सर्विस देना, ये वगैरह पानी वानी सब, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। मैं तो बोलूँगा कि $200 मतलब 18,000-19,000 में वर्थ इट है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तुम लोगों का लाओ थाईलैंड बॉर्डर पे, ये जंगल मिनिमम नेशनल पार्क। सो डू योर विजिट। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट सारा जिपलाइन कवर कर लिए, बस लास्ट ही बाकी है। हम लोग नॉर्मल रोड पे आके पहुंच गए। अभी गांव के साइड से जा रहे हैं, अभी लास्ट जिपलाइन कवर करने के बाद पूल पे पहुंच जाएंगे। तो फिर एक घंटे का मेन रोड पे ड्राइव है, फिर ख़त्म। लेकिन मज़ा आ गया ये एक्सपीरियंस। लगभग हम लोग 20 जिपलाइन कवर कर लिया। आज थोड़ा बहुत शॉर्ट था जिपलाइन, कुछ जिपलाइन 250 मीटर का था, लेकिन कल जो 9 जिपलाइन था वो पूरा सारा सबसे ज़्यादा था, सबसे लोएस्ट था 370 मिनिमम, और बाकी सब तो 400-420 ऐसे करके मीटर। बहुत ही लंबा जिपलाइन, पूरा जंगल के थ्रू, पूरा बड़ा बड़ा पेड़ के बीच में जाओगे, बहुत ही मज़ा आया था। चलो फिर देखते हैं पूल पर पहुँच के।
तो अभी हम लोग का लास्ट प्लान ख़त्म हो गया, हम लोग पुल के पास पहुंच गए। पुल मतलब नदी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे सारे रेस्ट करेंगे, नहा वहा के यहाँ से फिर निकल के गाड़ी लेके गिवन ऑफिस डायरेक्ट। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही मज़ा आ गया ट्रैक, और जिप लाइन सब बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग एडवेंचर था। जिप लाइन इतना दूर 400 मीटर जंगल के ऊपर पूरा बहुत ही मज़ा आया था। देखते हैं नहा के बाद यहाँ का नेचुरल फेज खुद के यहीं से ही पानी ऊपर रहता है, फिर ऊपर ही होके फिर यहीं पे गिरता है। और ये बहुत ही ठंडा है, बियर वगैरह पानी वगैरह कुछ भी कोल्ड वगैरह हो गया, बहुत ठंडा है। यहाँ पर लोग का ऑरेंज फार्मिंग चलता है, बहुत बड़ा फील्ड है ये ऑरेंज फार्मिंग पूरा। अभी तो कुछ ऑरेंजेस है नहीं इसमें, ये सीजन नहीं है, लेकिन जस्ट फूल खिला हुआ है, आगे आएगा। अभी यहाँ पे लंच स्विमिंग सब खत्म हो गया और यहाँ से अभी निकल रहे हैं। ये गाड़ी में हम लोग जाएंगे इस पे अभी बम्पी रोड, कुछ ख़राब रास्ता है 45 मिनट का, उसके बाद अच्छा रास्ता है। तो अभी शायद ट्रिप ख़त्म हो रहा है, ये गिवन एक्सपीरियंस वाला। फिर जाके पहुँच के फिर रेस्ट लेना है थोड़ा, फिर कल सुबह निकलना होगा। तो हम लोग अभी ट्रिप ख़त्म हो गया, यहाँ पे गिवन ऑफिस में आके पहुँच गए। सब यहाँ पे पैकिंग बैग वगैरह कर गए, अभी बैग वगैरह लेके निकलना है यहाँ से। आज रात यही होम साइन पे होके फिर कल सुबह निकलना है बैंक के लिए। ट्रेन तो बुकिंग कर दिया है, अभी देखते हैं। तो फिर आज के लिए बाय, कल मिलते हैं।